लोग कहीं कहीं आ गए तो 20 रुपया खा जाते। हमेशा ही कहेंगे अगर जो तू सुस्त नहीं बैठे, सुस्त बैठेगा तो ऐसे ही कहेंगे मैं स्वयं देख मेरे बेटा नासिक है शेर की तरह पंजाब का भक्ता बैठा कर मेरे मन पर सुस्ती नहीं आनी चाहिए। चल मैं ये दूसरों तक डाल दिया चुस्ती से बैठा कर अच्छी तरह सुना कर देखो। अच्छा तुम बताओ ये छोटा बेटा है और बड़े बेटा इससे ही बड़ा वो भी अब शेर की तरह दाँत देंगे ये प्रश्न ऐसे अब नींद नहीं आनी चाहिए। अब तो अगर है भी इंजेक्शन लगा तो मैं भगवान एक कीर्तन भगवान का बोलो ध्यान पटर से हट गया है
ये दुष्ट पुष्ट है, जब भी अपना काम मनाएंगे तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। सर अग्नि दुष्ट तीनों खतरनाक है, लेकिन तीनों से अधिक खतरनाक दुष्ट होता है। मेरी बहनों, शर एक बार करता प्राण विहीन कर देगा, उसका पेट नहीं भरेगा। विष द्वारा हमारा देहांत तो कर देगा, लेकिन उसका पेट नहीं भरेगा। अग्नि जिस वृक्ष में लगती है उस वृक्ष को जलाकर भस्म करने के बाद खुद भी नष्ट हो जाती है, उसका पेट नहीं भरता। लेकिन भाइयों, दुष्ट तो कदम कदम पर बसता है। दुष्ट पुरुष जो है कदम कदम पर आपको बसेगा। कलयुग दुष्ट का स्वरूप है, बड़ी चतुरता से परीक्षक की शरण में आ गए। कहा राजन आप हम मारोगे, आप अन्याय है, छोड़ दोगे दया है, लेकिन वध करने से पूर्व आप मेरा एक निवेदन सुन लीजिए। हम चार भाई हैं, शत्रु त्रेता द्वापर कलयुग। मेरे बड़े तीन भाई पृथ्वी से सत्ता का सुख भोग कर चले गए। चतुर्थी विधान ब्रह्मा जी की तरफ से हमारा है, अगर आप हमें मारोगे विपत्ति टल जाएगी। लेकिन सोच लो भाई नरेश, कि ब्रह्मा जी की सृष्टि की आग मिट जाएगी। परीक्षा जी संतों बड़े धर्म संकट में उलझ गए। कहा कि मैं ब्रह्मा जी का विधान नहीं बनूंगा, फिर भी तुम संतों पर, गायों पर, ब्राह्मणों पर रहना, हम तुम्हें रहने के लिए कुछ स्थान प्रदान अवश्य करेंगे, जहां माता पिता गुरु का महापुरुष का सम्मान न होता हो उस स्थान को ग्रहण करें, जहां वेद मंत्रों से यज्ञ न होता हो उस स्थान पर निवास करो, जहां वैश्याय निवास करती हैं, जहां बैठकर लोग मद्यपान करते हैं, जहां जुआ का खेल होता है, तुम उस स्थान को ग्रहण करो, और जहां बैठ करके इंसान अपनी कर्तव्य का निर्वाह न करता हो। सुनो बेटे, जहां बैठ कर इंसान अपने ड्यूटी का निर्वाह न करता हो, कथा होती है आंखें बंद करके बैठा रहे, तुम उसमें खोपड़े पर बस रहे, तेरे ऊपर निकले प्रभाव गलत नहीं कर रहा, फिर बात कर लेना किसी भी मुश्किल, तुम्हारे ऊपर इस समय
नक्षत्रों की दिशा में बता दूंगा शाम को मैं एकांत में बैठना मेरी दिशा कर तो बताऊंगा। अंत में परीक्षित में कलयुग रहने के लिए सोने में स्थान प्रदान और कर दिया कि तुम सुवर्ण में रहकर सत्ता का आनंद होगो। आप सोचोगे सुवर्ण जो सोने में कलयुग का निवास है तो आप भी सोना पहने हुए हैं। हाँ परीक्षक ने जो कलयुग को रहने को स्थान दिया था उस सुवर्ण की धातु में रहने के लिए दिया था जो बेईमानी चोरी कतर डकैती कर जो सोने की धातु मंगाई जाती है उसमें निवास कर परिश्रम की कमाई में कलयुग निवास नहीं कर पाए और जिस समय परीक्षक जी कलयुग को रहने को स्थान दे रहे हैं उस समय संतों मगध नरेश महाराज जरासंध का मुकुट उनके शीश पर था क्योंकि भीमसेन ने जब मगध में जरासंध को मारा था जरासंध ने 100 राजा एकत्रित करने के बाद नर मेध यज्ञ करने का संकल्प लिया था। 99 राजा एकत्र कर लिए थे जीत जीत कर उसी वक्त पांडवों ने इंद्र प्रश्न में यज्ञ रचा था। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन और भीम को लेकर मगध में गए और भीम ने जरासंध को जब मारा था तो विजय प्रतीक चिन्ह में जरासंध के सोने का मुकुट लेकर भीम इंद्रप्रस्थ आया था। बस वही मुकुट आज परीक्षक के शीर्ष पर था। उसी वक्त कलयुग उस मुकुट में प्रवेश हो गए। महाराज बंकी विषद बिहारी का आनंद लेते हुए आगे बढ़ने लगे हैं। अंतरिक्ष के मध्य में भगवान भास्कर पूर्ण कला पर खिले हुए थे। भादो का महीना था प्यास से व्याकुल होकर भारत का सम्राट जल की तलाश करता हुआ लोमर सुरेश के आश्रम में गया। संत पद्म आसन पर बैठे भगवान का चिंतन कर परीक्षक ने ऋषि को प्रणाम किया। उसके बाद में उन्होंने लोमर ऋषि से जल की याचना की। We'll be right back.
चाहे तो उसे भजन में लगाओ या भोग में लगाओ या भोजन में लगाओ, मन हर क्षण कर्म करता है, लेकिन मन एक समय में केवल एक ही काम करेगा। ऋषि महाराज की वाणी पर ध्यान नहीं दिया, परीक्षा जी को क्रोध आ गया। शुभोचरण, हम काले नहीं कुरूप नहीं, संतानहीन भी नहीं है, धर्म के विपरीत कोई मेरा आचरण भी नहीं है, लेकिन इस फकीर ने हमारा मुंह देखना गवारा नहीं किया। क्रोध में महाराज विवेक शून्य हो गए, एक मृग सर्प झाड़ी में पड़ा हुआ था, बेटियों बाण के अग्रम भाग से महाराज ने वो सर्प उठाया, शंख के गले में डाल दिया। ऋषि का अपमान करके भारत का सम्राट इंद्रप्रस्थ को चला गया। उधर श्रृंगी ऋषि जो लोमर श्रेष्ठ के पुत्र हैं, उन्होंने जब सुना, कमंडल में से हिल लिया, तत्काल ही परीक्षा जी को श्राप दे दिया। Thank you.
उत्तरानंदन अरमान में अंधे होकर जो संत का अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आपके श्राप दिन सूर्य अस्त से पूर्व ही तक्षक आपको दिखेगा, आपका देहांत हो जाएगा। हमारी बहनों, समाचार उम्र ऋषि ने सुना, उन्होंने दो शिष्य इंद्रप्रस्थ के लिए भेजे, कहा कि जाकर परीक्षक को सावधान कर दो ताकि परीक्षक जी अपनी मौत का सुधार कर सके, क्योंकि सर्प के काटने के बाद कोई भक्त काल कबलित हो जाता है। तो हमारी बहनों से सदगति नहीं मिली। ये ग्रंथों में, शास्त्रों में अकाल मौत मानी गई है। जैसे किसी भाई बहन की उम्र विधाता की तरफ से 50 वर्ष की निश्चित है, और सर के काटने के बाद वो 30 वर्ष पर ही काल कबलित हो जाता है। तो जीवन के जो शेष 20 वर्ष है, बहनों से प्रेत बनकर वायुमंडल में भटकना पड़ता है। दो संत इंद्रप्रस्थ भेजे गए, बकरी जो मैंने करती है गले छुरी चलवाती है। बकरी की आवाज है कसाई गर्दन काटते करता, बकरी की आवाज है मैं कसाई गर्दन काट देता, आंख को ताक का रूप दिया जाता है, और ताक बाजार में जब रुई ढूंढने वाले के यहां ले जाई जाती है, और दुनिया ताक पर डंडा मारकर रुई ढूंढता है,
आवाज निकलती है कि तुम है। मैं कहती थी तू कहने लगे तू शर्म का भाई बहन, ये ध्यान में रखना कि अधमा अहंकार जब हृदय में आने लगे तो वे भाई बहन समझ ले उनके विनाश का दरवाजा खुल गया। आज भारत का सम्राट परीक्षक अपने पुत्र का दिशा निर्देशन करता है। Thank you.
राजा की पूजा राज्य में हो सकती है, लेकिन विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। बोले हैं बारह सदी सुखदेव ही आपके जीवन की भटकती हुई नैया को पतवार बन किनारे पर ले जाए। उसी वक्त अखंड भारत का चक्रवर्ती सम्राट एक संत के पैरों में गिर गया। प्रथम राम श्री गुरु हमें श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है। आज के सातवें दिन सूर्य अष्ट की वेला में तक्षक नाथ ने दर्शन लिया, मेरा देहांत हो जाए, कोई सुगम साधन मुझे बताओ मनवर, जो मृत्यु का डर हमारे हृदय से दूर हो सके। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, प्रथम बात ये है कि मौत से जो तुम्हें भय लग रहा है कि सातवें दिन मेरा देहांत होगा, तो सात दिन किया राजन, सात युग में भी तक्षक आपको दर्श नहीं पाएगा। अब तो बहनों क्षेत्र में हलचल मच गई। संत विचार करते हैं कि एक तरफ श्रृंगी ऋषि महाराज को श्राप दे चुके हैं और इधर सुखदेव का कथन है कि तक्षक से नहीं दर्श पाएगा। अब दो ऋषियों के मध्य में बाणी किसकी शक्ति होगी ये वक्त बताया। जब ऋषि मंडल भी शंका ग्रसित हो गया, श्री सुखदेव जी कहते हैं हे संतो, न श्रृंगी ऋषि की वाणी मिथ्या होगी न मेरा कथन असत्य होगा। ये तक्षक रूपी जो काल है, परीक्षक के पंचभूत शरीर का विनाश कर सकता है, लेकिन शरीर रूपी मकान में जो आत्मा रूपी पुरुष बैठा है उस पर तक्षक का कोई असर नहीं पड़ेगा।
आत्मा अजर अमर है। बहनों, शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पवन आत्मा को सुखा नहीं सकता है और जल आत्मा को कभी भिगो नहीं सकता। जिस तरह भाई बहनों आप पुराना वस्त्र त्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी तरह आत्मा जर्जर शरीर को छोड़कर नवीन शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। और मेरी नजर में भक्त ये श्राप वृक्ष को ही नहीं लगा है, ये श्राप मुझे भी लगा है। बहनों, ये श्राप तुम्हें भी लगा है। भाइयों, श्राप आपको भी लगा है। महात्मा और तुम्हें कुछ सलाह बात पहले से आप आश्चर्य करोगे, शोधन तू बिना शरीर की बात कर रहा है, हमें श्राप किसी नहीं दिए, तू मेरे ऊपर शतमेश कर रहा है। बताऊंगा श्रृंगी ऋषि ने श्राप पर शार्दन कर दिया कि आज के श्राप में दिन तक्षक तुम्हें दसेगा, तुम्हारा देहांत हो जाएगा। और बहनों, एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं बताओ बेटी? सात। और इन्हीं सात दिन के अंदर हमारा जीवन है और इन्हीं सात दिन के अंदर संत मृत्यु है। अगर सात में से आठवां दिन किसी भक्त को लग जाए तो मैं हमसे आकर सोजन मन साधन में नहीं जाऊंगा, विधाता मेरे लिए कोई नवीन आठवां दिन बनाएगा जिसमें हम ये शरीर छोड़ेंगे। राजा, रंक, अमीर, फकीर, गरीब, विद्वान, मूर्ख, मंत्री, संतरी, कर्मचारी, अधिकारी, ब्रह्मचारी, व्यभिचारी, संतों, तक्षक रूपी का सात दिन के अंदर ही हर प्राणी का विध्वंस कर देता। लेकिन परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारियों में हम आप समय की कीमत का आकलन नहीं कर पा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उत्तरानंदन, सात दिन का समय कल्याण के लिए बहुत है, अगर सात क्षण भी तू ध्यान केंद्रित कर प्रभु की आराधना करे तो परीक्षक आत्म कल्याण के लिए जीवन के सात क्षण भी काफी है। अब आप सोचोगे कि सूर्जन सात क्षण में कल्याण हो जाए तो हम सात घंटे तक बराबर कीर्तन बोलते रहेंगे। बहनों, कीर्तन तो मेरे भैया लोग करते हैं, कैसे रामा रामा हरे हरे बीड़ी पी रहे परे दीन दयाल विरद श
संभाली बिन बिली के पेट दुखारी। डेफिनेशन ऑफ कीर्तन, कीर्तन की परिभाषा क्या है? कीर्तन भजन भक्ति भगवान के लिए करो तो कैसे करो? यह मन आपका मित्र है, मन आपका शत्रु भी है। क्यों? यदि मन नाल के रूप में हारे तो मन हो तो विषय के रूप। यदि मन ब्रह्मी ब्रह्म विचारे तो मन हो तो है ब्रह्म स्वरूप। अगर मन सांसारिक विषयों में फंस गया तो शरीर पूरा हो जाएगा लेकिन मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। शरीर कमजोर हो जाता है लेकिन इच्छाएं कमजोर नहीं होती। रंग कहे धनवान सुखी, धनवान Thank you.
Thank you.
और शभा मध्य वस्त्र भी न कर दिया तो हमें दुर्योधन मत इतना कहकर भाई बहनों दुर्योधन हस्त को लौट आया। महाराज धृतराष्ट्र दुर्योधन को बोल पाया, कहो बेटा दुर्योधन इंद्र कृष्ण में कुशल जो है तुम्हारी मां कुंती मेरी पुत्र वधू द्रौपदी सभी तरह आनंद में तो है, पुत्र हमारे वृक्षों पर वहां होगी संकट तो नहीं है। दुर्योधन कहने लगा पिताश्री राजा युधिष्ठिर बन गया, उसके सामने में राजा कहा अमराज कर्ण कहने लगे कि मित्र दुर्योधन जहां नाना प्रकार के संगीत की ध्वनि गुंजित होती है वहां एक धपी का राजकाम क्या गया गंधा नरेश मामा शक्ति खड़े हो गए। दुर्योधन हम देख रहे हैं इंद्र कृष्ण में जब तुम्हारा पैर फिसला था और द्रौपदी ने अंधा का अंधा बताकर तुम्हारा उपहास किया था Thank you.
तो भाइयों महीने पर हमारी बहनों का एक रुपये शरीर आता है। जब इन बहनों के हाथ में पानी मिलेगा, धर्म भारत का शासन नहीं होता। वही समय महारानी द्रौपदी का था। द्रौपदी मासिक धर्म से थी। Oh,
सोचने लगी कि पापी हमें नग्न होने किया गया दे चुका, लेकिन मेरे बाबा भीष्म यहां बैठे हैं, कुल गुरु कृपाचारी हैं, गुरु द्रोण हैं, महात्मा विदुर हैं, ये विद्वान इतना अन्याय होने नहीं देंगे। सोच रही है द्रौपदी, शर्म से मैंने गर्दन नीचे झुक ली, केवल इतना ही कहा कि बेटी द्रौपदी इन शर्म जिए के दाव पर लगाकर तुम्हें अच्छा नहीं किया है। पुत्री में जानता हूं कि दुर्योधन अन्याय की हर सीमा को तोड़ चुका है, लेकिन बेटी आज मेरी हिम्मत नहीं कि मैं दुर्योधन को रोक पाऊं। उस समय हमारी बहनों द्रौपदी की हिम्मत का धागा टूट गया, समझ नहीं कि बाबा जैसा योद्धा अकेला विश्व यज्ञ में सक्षम है। जब बाबा दुर्योधन को रोकने का साहस नहीं कर रहे तो अब सभा में हिम्मत किसी की भी नहीं है। चारों तरफ से निराश होकर द्रौपदी अपने पति पांडवों के सामने गई है, जहां पांचों पांडव शर्म से गर्दन झुकाए
Thank you.